Welcome back, Shining Stars, in your social science class with your learning buddy Aprajita. And let's start a new chapter of Geography Class 8, that is chapter number 18, Human Resources. Aaj hum padhenge Human Resources ke baare mein. In this chapter, kya padhne wale hain hum is chapter mein? Human Resources. Kya hote hain ye Human Resources? Then population distribution, classification of population density, population density in India, India ka population density kya hai, population growth in the world, world mein population ki growth kaise hui, and population growth in India, India mein population ka growth. Fine, so let's start it. You have learnt about the different kinds of resources. अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में अलग अलग तरह के रिसोर्स के बारे में पढ़ा. ह्यूमन इज ऑल्सो अ रिसोर्स. वी ह्यूमन बींग्स, हम भी एक तरह का रिसोर्स ही हैं. कैसे? देर आर सम रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी यूज्ड इन देयर नेचुरल फॉर्म. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको कि नेचुरल, उनके अपने नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं किया जा सकता है. ह्यूमन प्रोसेस देम टू यूटिलाइज देम. अब वो नेचुरल रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उसको प्रोसेस करते हैं जिससे कि उसका यूज किया जा सके. बिसाइड्स दिस, ह्यूमन इज ऑल्सो नीडेड एज लेबर एंड एम्प्लॉय एट डिफरेंट इंडस्ट्रीज फॉर डिफरेंट पर्पस. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कहाँ उनकी ज़रूरत होती है, लेबर एज अ लेबर, एज अ वर्कर, और अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग कामों के लिए. Educated or skills and non-educated or non-skilled, both type of humans are needed. कहीं कहीं educated human beings की ज़रूरत होती है, कहीं non-educated human beings की ज़रूरत होती है. कहीं ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जिनके पास skills हैं अच्छे, और कहीं पे non-skilled भी काम आते हैं. But educated or skilled humans are more important as they have abilities to develop resources as per their requirements. लेकिन जो एजुकेटेड और स्किल्ड ह्यूमन बींग्स होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखते हैं. क्यों? क्योंकि वो जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे डेवलप करना है, उन रिसोर्सेज को उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उन रिसोर्सेज को कैसे डेवलप करना है, वो अच्छे से कर सकते हैं. ह्यूमन रिसोर्सेज, अब ये ह्यूमन रिसोर्सेज क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स कैन बी रिगार्डेड एज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन को ह्यूमन रिसोर्स कहा जा सकता है. पॉपुलेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओनली अ फ्यू प्लेसेस आर डेंसली पॉपुलेटेड, वेयर एज लार्ज एरियाज हैव वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन. अब ये जो पॉपुलेशन है ना, जनसंख्या जिसे कहते हैं, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसका. कहीं कहीं पर तो बहुत पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और कहीं कहीं किसी एरिया में पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम लोग हैं. It is due to the uneven land features and climatic conditions. और ये क्यों है? क्योंकि जो uneven land features हैं और जो climatic conditions है, अलग अलग जगह की अलग अलग climatic conditions, उसके हिसाब से ये population का distribution होता है. In order to turn population into human resource, so that they can contribute to the progress and development of the country, suitable education and training are needed so that their abilities, capabilities and skills can be improved. Ab population ko human resource mein agar turn karna hai, agar badalna hai, to uske liye, aur kyun badalna hota hai, jisse ki wo contribute kar sake kis mein, development mein, country ke development mein. तो सूटेबल एजुकेशन और ट्रेनिंग देने की ज़रूरत होती है, जिससे कि उनकी जो एबिलिटीज़ हैं और जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज़ हैं काम करने की, जो क्षमता है वो इम्प्रूव हो सके, वो और पढ़ सके. कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. बाय कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इट इज़ मेंट टू डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एज, सेक्स, लिटरेसी, लैंग्वेज, occupation, religion, tribe, ethnicity, etc. of a given population. Composition, human resource का composition का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि determine करना कुछ चीज़ों को, जैसे कि age, sex, literacy, language,
ऑक्यूपेशन, रिलीजन उस पॉपुलेशन की. द थ्री मेजर मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन आर, पॉपुलेशन के तीन मेन कॉम्पोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेक्स कॉम्पोजिशन, एज स्ट्रक्चर एंड लिटरेसी लेवल्स. ये हैं थ्री कॉम्पोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन. नाउ फर्स्ट इज द सेक्स रेशियो. सेक्स रेशियो मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ फीमेल पॉपुलेशन टू द मेल पॉपुलेशन इन अ कंट्री. किसी भी कंट्री में फीमेल्स का प्रोपोर्शन मेल्स के प्रोपोर्शन में कितना है, कितने फीमेल्स कितने मेल्स, उसे कहा जाता है सेक्स रेशियो. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन. किसी भी जगह पे पर 1000 मेल्स पे जितनी फीमेल्स हैं उसको कहा जाता है सेक्स रेशियो. द टेबल गिवन हियर शोज द सेक्स रेशियो इन इंडिया ओवर द लास्ट सेंचुरी. अब लास्ट सेंचुरी में जो सेक्स रेशियो है इंडिया में वो क्या था? लुक हियर, 1901 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, पर 1000 मेल्स पे कितनी फीमेल्स? 972. 1911 में 964. 1921 955. 1931 950. 1941 945. 1951 946. 1961 941. देखिए कभी तो ये बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है. 72 था, 64 हो गया, कम हो गया, अगेन उससे भी कम हो गया. Fine. 1961 941. 1971 930. 1918 934. 1919 929. 2001 927. And 2011 940. Okay. When the number of females is more than the number of males in a country, it is called favorable ratio. Up. किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में जब फीमेल्स की संख्या जो होती है वो मेल से ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है फेवरेबल रेशियो. ऑन द अदर हैंड इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स इज लेस दैन द नंबर ऑफ मेल्स इन अ कंट्री इट इज कॉल्ड एडवर्स रेशियो. आइए आपको बात समझ में. जब फीमेल्स की संख्या मेल्स की संख्या से किसी भी देश में ज़्यादा होती है तो उसे कहा जाता है फेवरेबल रेशियो, और जब फीमेल्स की संख्या मेल्स की संख्या से कम होती है तो वहाँ कहा जाता है उसे एडवर्स रेशियो. इन इंडिया एट प्रेजेंट देयर इज एडवर्स रेशियो. इंडिया में एट प्रेजेंट अभी एडवर्स रेशियो है क्योंकि फीमेल्स की संख्या जो है वो मेल्स की संख्या से कम है. According to the census of India in 2011, there were 940 females per 1000 males. अभी पीछे हमने देखा 2011 में 940 females थे per 1000 males पे. In countries situated in North America, Latin America and Europe, we find favorable sex ratio. अब North America, Latin America, Europe में favorable sex ratio है क्योंकि वहाँ पे females की जो संख्या है वो ज़्यादा है males से. On the contrary, in Asia, it is adverse ratio. और Asia में adverse ratio है. Causes of adverse sex ratio in India. अब India में adverse sex ratio के causes क्या है? Girls are neglected in families, which have reduced their life expectancy. जो girls हैं India में उनको neglect किया जाता है families में, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है. Some girl children are killed before and after death. अभी भी कई जगहों पे इंडिया में जो फीमेल बर्थ है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है. फीमेल गर्ल चाइल्ड को, सॉरी, गर्ल चाइल्ड को या तो बर्थ से पहले या बर्थ के बाद मार दिया जाता है. अ नंबर ऑफ यंग वुमेन डाई एट द टाइम ऑफ गिविंग बर्थ टू चिल्ड्रन इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट मेडिकल केयर. बहुत सारी यंग वुमेन्स जो हैं उनकी डेथ हो जाती है चाइल्ड बर्थ के टाइम पे क्योंकि अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिलती उनको. एज स्ट्रक्चर. नाउ कम्स द एज स्ट्रक्चर. द एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल फॉर वर्किंग इन अ कंट्री. अब कितने लोग अवेलेबल हैं उस कंट्री में काम करने के लिए. फाइन, उस वो कहा जाता है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन.
The population is broadly divided into three age groups. अब total population को three age groups में divide किया जाता है. 0 to 14 years, 15 to 64 years, 65 plus years. The first group, 0 to 14, comprises of children up to the age of 14. जो बच्चे 14 साल की एज तक के होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं 0 to 14 में. The members of this group will grow to become working members in the future. और इस ग्रुप के जो members हैं वो बड़े होके और आगे जाके क्या होंगे, वो working members बनते हैं अपनी family के. The second group 15 to 64 is known as the working population. इसको कहा जाता है working population. Fine. अब इस वर्किंग पॉपुलेशन में क्या होता है, द प्रोग्रेस डेवलपमेंट एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स ऑन दिस ग्रुप. अब ये जो ग्रुप है ये वर्किंग होता है. फाइन, जो वर्किंग लोग होते हैं वो इस ग्रुप में आते हैं और ये जिम्मेदार होते हैं प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए किसी भी कंट्री के. द थर्ड ग्रुप 65 प्लस इज कॉल्ड द सीनियर सिटीजन और ओल्ड एज ग्रुप. 65 प्लस जो हो जाते हैं उनको सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता है और उनको ओल्ड एज ग्रुप भी कहा जाता है. सिंस दिस ग्रुप कंप्राइजेज ऑफ ओल्ड पीपल, इट इज नेसेसरी दैट प्रॉपर मेडिकल हेल्थ केयर एंड रिहैबिलिटेशन फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू देम. ये जो ग्रुप है सीनियर सिटीजन्स का 65 प्लस का, इनको प्रॉपर, ये ओल्ड पीपल का ग्रुप होता है तो इनको प्रॉपर मेडिकल केयर, हेल्थ केयर, रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है. द फर्स्ट एंड थर्ड ग्रुप्स आर ऑल्सो नोन एज डिपेंडेंट ग्रुप्स. देखिए जो फर्स्ट ग्रुप है 0 टू 14 और जो लास्ट ग्रुप है 65 प्लस, इसको डिपेंडेंट ग्रुप भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि जो 0 टू 14 के बीच के बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं जब तक कि वो वर्किंग स्टेज में नहीं आ जाते हैं, वो किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं. और जो 65 प्लस वो ओल्ड पीपल जो हो जा जब ओल्ड हो जाते हैं तो वो भी डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी पे. ओके, दे स्टॉप वर्किंग. बहुत से लोग वर्क करते भी रहते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग जो है आफ्टर 65 प्लस वो काम करना बंद कर देते हैं और वो डिपेंडेंट हो जाते हैं दूसरों पे. फाइन, सो नाउ composition of age-wise world population. The age-sex structure, the population pyramid. अब ये है population pyramid. Age structure is the classification of population into different age groups. अब इसमें देखिए, इस composition में पहला age structure जो है उसका classification, वो क्या करता है, classification of population अलग अलग age groups में classify होते हैं. Sex ratio is the ratio of females to males in a population. It is defined as the number of females per 1000 males. The age-sex structure can be graphically represented by a population pyramid. अब ये जो age और sex structure है इसको एक pyramid के through, population pyramid के through represent किया जा सकता है. It shows the proportion of females and males in different age groups. और ये जो पिरामिड है ये क्या दिखाता है, ये प्रोपोर्शन दिखाता है फीमेल्स और मेल्स का अलग अलग एज ग्रुप में. फाइन, क्योंकि तीनों एज ग्रुप में मेल्स फीमेल्स दोनों होते हैं. द राइट साइड ऑफ द पिरामिड शोज द परसेंटेज और नंबर ऑफ फीमेल्स एंड द लेफ्ट साइड ऑफ शोज द परसेंटेज और नंबर ऑफ मेल्स. अब जो राइट साइड है ये तो फीमेल्स का दिखाता है, राइट साइड फीमेल्स का दिखाता है और लेफ्ट साइड मेल्स का दिखाता है, कितने परसेंट है, परसेंटेज दिखाता है मेल्स और फीमेल्स का. द पॉपुलेशन पिरामिड गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड टेल अस हाउ मेनी डिपेंडेंट्स आर देयर. मोर मेनी मोर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज MEDCs हैव अ ग्रोइंग नंबर ऑफ एल्डरली डिपेंडेंट्स व्हाइल मेनी लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज have a high number of young dependents. अब जो ज़्यादा economically developed countries होते हैं उसमें growing number of elderly dependents ज़्यादा होते हैं. okay? उनके जो elderly dependents हैं वो ज़्यादा होते हैं
और जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे हाई नंबर ऑफ यंग डिपेंडेंट्स ज़्यादा होते हैं. पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ LEDCs हैव अ वाइड बेस एंड अ नैरो टॉप. अब जो LEDCs हैं मतलब जो लेस इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनका जो पिरामिड होता है उसका बेस जो होता है वो वाइड होता है, टॉप जो होता है वो बिल्कुल पतला होता है, नैरो होता है. इट रिप्रेजेंट्स अ हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट. इससे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हाई बर्थ रेट भी दिखाता है और हाई डेथ रेट दिखाता है. दे आर वेरी फ्यू ओल्ड पीपल. इन कंट्रीज लाइक जापान लो बर्थ रेट मेक्स द पिरामिड नैरो एट बेस. अब जापान में बर्थ रेट जो है वो कम है इसलिए जो बेस होता है उसका वो नैरो होता है, पतला होता है. देर आर मैनी ओल्ड पीपल, वहाँ पे ज़्यादा ओल्ड पीपल हैं. सो दिस इज पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ इंडिया, दिस इज पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ LEDC लाइक केन्या. फाइन, देखिए बेस कितना ब्रॉड है इसका. नाउ इन कंट्रीज वेयर डेथ रेट इज डिक्रीजिंग द पिरामिड इज ब्रॉड इन द यंगर एज ग्रुप बिकॉज मोर इन्फेंट्स सर्वाइव टू बिकम एडल्ट्स. और जिन कंट्रीज में डेथ रेट कम है, डेथ रेट कम है जहाँ, वहाँ जो पिरामिड बनता है वो पिरामिड यंगर एज ग्रुप का ब्रॉड होता है. जो यंगर एज ग्रुप होता है उस वहाँ पे वो ब्रॉड हो जाता है क्योंकि जो जितने छोटे बच्चे हैं ज़्यादातर वो सर्वाइव करते हैं एडल्ट बनने के लिए. लिटरेसी, द टर्म लिटरेसी रेफर्स टू द एबिलिटी टू रीड राइट एंड अंडरस्टैंड अ सिंपल टेक्स्ट. अब लिटरेसी का मतलब क्या होता है, लिटरेसी का मतलब होता है किसी के द्वारा भी पढ़ना लिखना और समझना, किसी टेक्स्ट को समझना आना, उसे कहते हैं लिटरेसी. इन एनी वन और मोर देन वन लैंग्वेज, किसी भी एक लैंग्वेज में या एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज में. इन इंडिया अ पर्सन अबव द एज ऑफ 7 years इज कंसिडर्ड लिटरेट इफ ही शी कैन रीड एंड राइट अ सिंपल टेक्स्ट. और इंडिया में 7 years के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको लिटरेट माना जाता है अगर वो एक सिंपल टेक्स्ट को पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं. अ पर्सन हु कैन रीड बट कैन नॉट राइट इज कंसिडर्ड इलिटरेट. अब वो ह्यूमन जिसको कि पढ़ना तो आता है लेकिन लिखना नहीं आता है उसको इलिटरेट कहा जाता है, अनपढ़ कहा जाता है. Presently, more than 1/3 of the population, world's population, is illiterate. अभी भी at present, 1/3 से ज़्यादा जो world की population है वो illiterate है, अनपढ़ है. As per the census of India 2011, 74.04% of India's total population is literate. India की total population का 74.04% जो है वो पढ़ा लिखा है. The male literacy rate was 82.41% and female literacy rate was 65.46% in 2011. ये 2011 के बारे में बताया गया है कि 2011 में जो female, जो male literacy rate था वो 82.41% था और जो female rate था वो 65.46% था. India is making great efforts to enable all children to attend school. अब इंडिया बहुत efforts put up कर रहा है कि जिससे कि सारे बच्चे school जा सकें. आंगनवाड़ी program for children, child education. बहुत सारे ऐसे programs भी चलते हैं बच्चों को educate करने के लिए. This is population pyramid of Japan. देखिए इसका lower, ये broad नहीं है. Fine? क्योंकि जो birth rate है वो है वो कम है तो इसका बेस जो है वो नैरो है. नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी, व्हाट इज दिस, द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लैंड एरिया इज डिस्क्राइब्ड एज द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, जितने लोग वहां पे रह रहे हैं, लिविंग इन पर स्क्वायर किलोमीटर, एक लैंड एरिया के पर स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं उनको कहा जाता है, वो माने जाते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. पॉपुलेशन इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वर्ल्ड. ये अभी हमने शुरू में पढ़ा कि जो पॉपुलेशन है उसका इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है पूरी दुनिया में. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, द फैक्टर्स दैट अफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिवाइडेड इंटू टू मेजर फैक्टर्स.
जो फैक्टर्स पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं उसको दो मेजर फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है. फर्स्ट इज जियोग्राफिकल फैक्टर एंड देन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. जियोग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं? द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन आर जियोग्राफिकल फैक्टर्स. सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर. पीपल प्रेफर टू लिव वेयर नेचुरल कंडीशंस आर फेवरेबल. लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं जहाँ नेचुरल जो कंडीशंस होती हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, वो उनके फेवर में होती हैं. सूटेबल रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर आर एसेंशियल. एक किसी जगह पे रहने के लिए वहाँ का रिलीफ फीचर अच्छा होना चाहिए, सूटेबल होना चाहिए, क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए, नेचुरल वेजिटेशन अच्छी होनी चाहिए, सॉइल अच्छा होना चाहिए और वहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए. Plains are more suitable while considerable difficulty is faced in hills and plateaus. Plains ज़्यादा suitable होते हैं रहने के लिए और hills और plateaus में बहुत difficulties का सामना करना पड़ता है. Climate has direct effect on human population as excessive heat, cold and dryness restrict human settlement. अब जो climate है ना उसका direct effect human population पे पड़ता है क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा कोल्ड या ड्राइनेस डिपेंड कर ये रिस्ट्रिक्ट करता है ह्यूमन सेटलमेंट को कहीं भी रहने से. अगर बहुत ज़्यादा हीट है किसी जगह पे तो वहाँ पे भी रहना पसंद नहीं करेंगे या बहुत ज़्यादा कोल्ड है ना. पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, देखिए कहाँ कहाँ कितना कितना पॉपुलेशन है. दिस इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी. Similarly, very dense forests do not encourage concentration of human population. या बहुत ज़्यादा घना जो forest होता है, forest area, वहाँ पे भी population नहीं मिलती है, वहाँ पे भी लोग रहना पसंद नहीं करते. Besides relief features and climate, there are many other geographical factors that influence human settlement. अब relief features और climate को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो और भी दूसरे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं ह्यूमन सेटलमेंट को, ह्यूमन को कहीं रहने से. अब उसमें इम्पॉर्टेंट कौन से हैं? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अभी बताया आपको वाटर अवेलेबल होना चाहिए. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, सॉइल अच्छा फर्टाइल होना चाहिए. अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स भी अवेलेबल होने चाहिए वहाँ. और नेचुरल वेजिटेशन शुड बी गुड. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, अब ये कैसे हैं फैक्टर्स? सम ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स आर एज फॉलोज. क्या क्या हैं वो? डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एट अ प्लेस अट्रैक्ट्स अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम अदर रीजन्स. अब ये जो डेवलपमेंट है, अगर किसी जगह का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, आते हैं, क्योंकि वो काम के तलाश में भी आते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं. Technological development, a technology and industrially developed area, technologically and industrially developed area attracts manpower as there are avenues for employment. अब देखिए अगर कोई एरिया टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो गया है या इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हो गया है तो वहाँ पे अभी आपको बताया लोग आते हैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हुए एम्प्लॉयमेंट के. Urbanization and civic facilities. Urbanization attracts a large number of people from rural areas to urban areas due to medical, educational, better civic facilities, etc. अब जब urbanization हो जाता है किसी जगह का तो जो rural village से लोग urban areas में आना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पे medical facilities अच्छी मिलती हैं, educational facilities अच्छी होती हैं और बहुत सारी दूसरी facilities भी मिलती हैं. Favorable government policy. At times, the government announces tax concessions and other facilities at certain places. This attracts people to settle there. अभी कभी कभी क्या होता है, government जो है वो tax के concessions announce करती है और बहुत सारी दूसरी facilities भी देती है किसी particular जगह में, तो वहाँ पर फिर लोग attract होते हैं रहने के लिए. Now, classification of population density. From the viewpoint of population density, the world can be broadly divided into three classes. अब population density के viewpoint से world को three classes में divide किया जा सकता है.
First is areas of high density, then areas of modern density and areas of sparse density. Let's read about the areas of high density. The fertile river valleys of the industrialized parts of the world generally have a very high density of population because many favorable factors are available there. अब जो फर्टाइल रिवर वैलीज होती हैं, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट है किसी वर्ल्ड में, कोई इंडस्ट्रियलाइज्ड पार्ट है वहाँ पे फर्टाइल रिवर वैलीज हैं, तो वहाँ बहुत हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी फैक्टर्स हैं वो फेवरेबल होते हैं वहाँ रहने के लिए. इन ईस्टर्न एशिया द एरियाज विथ हाई डेंसिटी इंक्लूड लार्ज पार्ट्स ऑफ चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपींस एट्सेट्रा. ईस्टर्न एशिया में जो हाई डेंसिटी वाले वाली जगह हैं वो कौन से हैं? चाइना, जापान, कोरिया, फिलीपींस. इन सदर्न एशिया, अब सदर्न एशिया की बात करें तो द एरियाज ऑफ हाई डेंसिटी इंक्लूड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया such as Indonesia, Japan, Malaysia, ये सब जगह हैं. Besides those in Southern Asia, such as, अब देखिए Southern Asia में India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Myanmar. Thus Asia has almost one half of the total world's population. ये सब हमने एशिया के बारे में ही तो पढ़ा, साउथ ईस्ट एशिया, सदर्न एशिया, तो इसलिए one half of the total world population जो है वो कहाँ रहती है? एशिया. The major reasons for the high density of population in Western Europe are mineral resources, technological and industrial development, and a suitable climate for human habitation. Industrial development and high standard of living are the main reasons for high density of population in the eastern coast of North America. North America ke eastern coast mein जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेजर रीजन है हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का. नॉट ओनली स्पेसिफिक रीजन्स, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव सम पॉकेट्स ऑफ डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज बिकॉज देर आर वेरिएशंस इन ज्योग्राफिकल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स देर. अब कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड के, वहाँ कुछ कुछ पॉकेट्स ऐसे होते हैं जो कि डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं. नाउ एरियाज ऑफ मॉडरेट डेंसिटी. द एरियाज विद मॉडरेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन आर नॉट अ कॉन्स्टेंट बेल्ट इन द कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स. जो मॉडरेट डेंसिटी वाले एरियाज होते हैं वो कॉन्स्टेंट बेल्ट नहीं होते हैं किसी भी कंट्री या कॉन्टिनेंट. These areas have not a high density, but due to some development, people have settled there, such as due to agriculture, mining or industry. अब ऐसे areas में बहुत ज़्यादा high density नहीं होती है population की, लेकिन वहाँ लोग, वहाँ क्योंकि थोड़ा बहुत development हुआ होता है तो इस कारण लोग वहाँ settle हो जाते हैं. The delta region of the Nile Valley, the Mediterranean coastal parts of Morocco, Algeria, Tunisia in North Africa, plains of Tigris, Euphrates, etc. are some of the moderately populated areas. ये सब कुछ areas हैं जो कि moderately populated हैं. Areas of sparse density. अब sparse density बहुत कम कहाँ है population. These areas do not present conditions conducive to settlement, especially climate. The geographical factors do not allow to develop resources to meet human needs. अब ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे कि जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं वो वहाँ पॉपुलेशन को सेटल डाउन होने में से रोकते हैं. अब जो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं वो ह्यूमन नीड्स को मीट नहीं कर पाते हैं. These areas include very cold places, Antarctica and tundra regions. ये जो बहुत ठंडी जगह हैं अंटार्कटिका और टुंड्रा रीजन, और वेरी हॉट प्लेसेस लाइक डेजर्ट, सहारा एंड कालाहारी इन अफ्रीका, अरेबियन डेजर्ट, गोबी डेजर्ट, थार इन एशिया, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, पैटागोनिया एंड अटाकामा इन साउथ अमेरिका, द मैक्सिकन डेजर्ट एंड कैलिफोर्निया, कोलोराडो इन नॉर्थ अमेरिका. ये सब डेजर्ट हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. सिमिलरली रग्ड माउंटेन्स region to present very difficult living conditions as higher reaches of the Himalayas, Andes, etc.
और हिली एरियाज में भी, हिमालयाज और एंडीज पे, यहाँ पे भी सेटलमेंट होना बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों का, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव हियर. ऑल्सो द थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स ऑफ अमेज़न बेसन, द ज़ायर, द कॉन्गो बेसन आर ऑल्सो लो पॉपुलेटेड. यहाँ भी लो पॉपुलेशन है जहाँ पे बहुत घना डेंस फॉरेस्ट है. पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया, इन इंडिया एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी इज 328 persons पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर द सेंसस ऑफ इंडिया 2011. सेंसस ऑफ इंडिया 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया का एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो है 328 persons पर स्क्वायर किलोमीटर. एक स्क्वायर किलोमीटर में, हर एक स्क्वायर किलोमीटर में 328 persons. As the population is continuously increasing, this density continues to increase year to year. और जैसे जैसे population increase करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ये जो population density है population की, ये भी बढ़ती जाती है. In India, there are some regions which are more densely populated regions as compared to others because of favorable geographical and socio-economic factors. इंडिया में कुछ रीजन्स ऐसे हैं जो कि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं कंपेयर टू दूसरे एरियाज से, क्योंकि वहाँ पे जो फेवरेबल ज्योग्राफिकल कंडीशन है उस वजह से वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा होता है. पॉपुलेशन डेंसिटी वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन, अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह की पॉपुलेशन डेंसिटी होती है. द मोस्ट स्पार्सली पॉपुलेटेड स्टेट्स इन इंडिया आर, स्पार्सली पॉपुलेटेड मीन्स लो पॉपुलेशन जहाँ है, कम है जहाँ पॉपुलेशन, कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम विद अ डेंसिटी ऑफ 13 एंड 43 persons पर स्क्वायर किलोमीटर रिस्पेक्टिवली. ऑन द अदर हैंड दिल्ली एंड चंडीगढ़ आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड प्लेसेस. अब दिल्ली और चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, वहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, विद अ डेंसिटी ऑफ 9,300 and 7,900 persons per square kilometer respectively. Means 9,300 Delhi ka and 7,900 Chandigarh ka. Look, vast difference there is. Kaha 1343 aur kaha pe thousands mein. Okay? So, this is the population density of India. It has been shown here. Population growth in the world. At present, the population in the world is more than 6 billion. Pure world ka jo population hai, wo 6 billion se bhi zyada hai. It is estimated that the world population in 8000 BC was about 8 million. Ab 8000 BC mein jo world ka population tha, wo kitna tha? 8 million. Okay? Which reached to the mark of 750 million, 75 crores in the next 10,000 years. और next 10,000 years में वो 8 million से बढ़ के 750 million हो गया. This growth was marginal as both birth rate and death rate were nominal. ये एक marginal growth था क्योंकि इसमें birth rate और death rate जो थे वो nominal थे. The difference between birth rate and death rate is called natural growth rate. जो बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस आता है उसे कहा जाता है नेचुरल ग्रोथ रेट. चेंजेस इन द साइज ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेड मेनली ऑन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट. इसी पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन का साइज. द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर इज कॉल्ड बर्थ रेट, व्हाइल द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पीपल इन अ ईयर इज कॉल्ड द डेथ रेट. The total population of the world crossed 7 billion in 2011. जो world का total population है वो 7 billion को cross कर गया 2011 में. Out of this population, 40% people live in Asia, 13% in Africa, 12% in Europe and remaining in other continents. तो ये है distribution, total population का. Now, fact to know, it took only 11 years for the human population to rise from 5 billion to 6 billion. 5 billion se badhke 6 billion hone ke liye kitne saal lage? 11 years. Then population growth in India. Ab India ka population growth.
Every year, India adds population equal to the population of entire Australia. हर साल इंडिया का पॉपुलेशन कितना एड ऑन हो जाता है? जितना कि पूरे ऑस्ट्रेलिया का पॉपुलेशन है, उतना पॉपुलेशन हर साल इंडिया में एड ऑन हो जाता है. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन दैट ऑफ US, कैनेडा, रशिया, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया टेकन टुगेदर. इन सब कॉन्टिनेंट्स को एक साथ अगर मिला दिया जाए तो पॉपुलेशन जो इंडिया की है वो इनसे भी ज़्यादा है. अबाउट 50% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन 5 states. अब 5 states में 50% जो इंडियन पॉपुलेशन है वो रहती है. कहाँ कहाँ? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश. नियरली 1/6 ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन उत्तर प्रदेश अलोन. 1/6 जो पॉपुलेशन है वो केवल उत्तर प्रदेश में ही है अकेले. Population of Delhi is more than that the combined population of all other union territories, 2 states of Arunachal Pradesh and Jammu and Kashmir put together. Utna hai Delhi ka population. Now fact to know, the average daily increase in the world's population has been estimated at an average of approximately 251 per minute. पर मिनट में 251 का इंक्रीज होता है पॉपुलेशन में वर्ल्ड की. देर आर ऑल्सो 106 डेथ्स पर मिनट. अगर 251 बर्थ पर मिनट है तो 106 डेथ पर मिनट भी है. फाइन, अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हैज टू बी चेक्ड सो दैट देर आर इनफ एमिनिटीज ऑफ लाइफ and we can have efficient human resources in the country. अब इस बढ़ती हुई जनसंख्या को चेक लगाना, इसको रोकना ज़रूरी है जिससे कि जो amenities हैं life की, जो ज़रूरतें हैं वो fulfill की जा सके. Now the birth rate and death rate in India. देखिए, all these years what was the birth rate and what was the death rate, just go through them. There's 1951 may 43.97 and death rate 27.58. so just go through this table, children. Isko read kariyega. Natural increase or natural decrease. Ab ye kya hai, natural increase or natural decrease? Natural increase NI occurs when the number of births exceeds the number of deaths. जितना डेथ रेट है उससे जब ज़्यादा बर्थ रेट हो जाता है तो उसको कहते हैं नेचुरल इंक्रीज. इन अ ईयर इफ बर्थ रेट इज 25 पर 1000 एंड डेथ रेट इज 15 पर 1000, देयर विल बी अ नेचुरल इंक्रीज ऑफ 10 पर 1000. देखिए, नेचुरल इंक्रीज, ये बर्थ रेट हो गया 25 पर 1000 एंड डेथ रेट हो गया 15 पर 1000. तो बर्थ रेट ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है? 10 से ज़्यादा है. तो इसको कैसे निकाला जाता है? नेचुरल इंक्रीज को बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, क्योंकि बर्थ रेट ज़्यादा है इससे डेथ रेट को माइनस किया जाता है. फाइन, तो निकल के कितना आया? 10. 25 माइनस 15 कम्स टू 10 पर 1000. नेचुरल डिक्रीज अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ डेथ्स इन एक्सीड्स द नंबर ऑफ बर्थ. और इसी का उल्टा होता है नेचुरल डिक्रीज, जब डेथ रेट ज़्यादा हो जाते हैं बर्थ रेट से. तो उसको कैसे निकाला जाता है? नेचुरल डिक्रीज इज इक्वल टू डेथ रेट माइनस बर्थ रेट, क्योंकि डेथ रेट ज़्यादा है उसमें से बर्थ रेट को माइनस कर दिया जाएगा. सो लुक, 11 डेथ रेट अगर और 10 बर्थ रेट, तो नेचुरल डिक्रीज कितने का आया? 1 का. नाउ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, क्या था इस चैप्टर में, क्या क्या पढ़ा हमने? ह्यूमन रिसोर्स इंक्लूड्स ट्रेन्ड, स्किल्ड एंड क्रिएटिव पीपल. द इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर सेक्स रेशियो, एज स्ट्रक्चर एंड लिटरेसी. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड इज इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल फीचर्स एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स. देन पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया स्टैंड्स एट 328 persons per square kilometer of land area. Delhi is the most densely populated. Delhi सबसे ज़्यादा densely populated area है with 9,300 persons per square kilometer.
नेचुरल पॉपुलेशन ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट. फाइन चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर नाइसली. सो चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज हियर एंड लेट्स सी हमें कितना समझ में आया इस चैप्टर में. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. टेक द राइट ऑप्शन. द लीस्ट क्राउडेड कॉन्टिनेंट इज, कौन सा कॉन्टिनेंट सबसे कम क्राउडेड है? एशिया, यूरोप, अमेरिका. अमेरिका इज द लीस्ट क्राउडेड कॉन्टिनेंट. द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1,000 पीपल इन अ ईयर इज कॉल्ड द डेथ रेट, बर्थ रेट, नन ऑफ दीज. इट इज नोन एज द डेथ रेट. सेक्स रेशियो मीन्स द नंबर ऑफ फीमेल्स पर डैश मेल्स इन अ पॉपुलेशन. नंबर ऑफ फीमेल्स पर 100,000, 10,000 per 1,000 males. When the number of females is less than the number of males, it is called dash ratio. Favorable, adverse, none of these. Jab females less hoti hain aur males zyada hote hain to usko kaha jata hai adverse ratio. The second age group, 15 to 64, is known as the senior citizen, old age group, working population. It is known as the working population. Now, fill in the blanks. In 2011, the sex ratio of India was dash females per 1,000 males. Kitne females? 940 females per 1,000 males. Human is also a, kya hai? Human being ek resource hai. Human is also a resource. The most significant low populated areas are hot deserts. Aur kya kya hote hain? Hot deserts, cold and mountainous areas. In favorable sex ratio, the number of favorable sex ratio mein kaun zyada hota hai? Number of females is more than the number of males. Sahara and Kalahari desert are in, kahan hai ye dono desert? They are in Africa. Okay children, so this is all in this chapter and I hope you had a great time. You enjoyed the chapter, you learned many things, so stay tuned for the new video. We'll meet again with a new chapter. Till then, bye. Stay blessed.